वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए टीम इंडिया की जर्सी पर भारत लगवाने की बात कही। इस ट्वीट में उन्होंने बीसीसीआई सचिव जय शाह को भी टैग किया था। इस पर एक यूजर ने रिप्लाई के जरिए सहवाग ने पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को भी अपने लिपटे में ले लिया है। दरअसल सहवाग के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, मैं हमेशा सोचता था कि आपको गौतम गंभीर से पहले संसद बनना चाहिए था। वीरेंद्र सहवाग को ये बात बुरी लगी और उन्होंने यूजर को जवाब देते हुए कहा, मुझे राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। पिछले दो चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों ने मुझसे संपर्क किया। मेरा विचार है कि इंटरटेनर और खिलाड़ी ने राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अपने अहंकार और सत्ता की भूख के लिए आते हैं। वो लोगों के लिए मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। कुछ इनसे हटकर भी है, मुझे क्रिकेट से जुड़ना और कमेंट्री करना पसंद है और पार्ट टाइम एमपी बनने की भी मैं थोड़ी सी भी इच्छा नहीं रखता हूँ। वीरू का ये जवाब गौतम गंभीर को चुभ सकता है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट के जरिए बीसीसीआई को रिप्लाई देते हुए लिखा, टीम इंडिया नहीं टीम भारत। इस वर्ल्ड कप में हम विराट, रोहित, बुमराह, जड्डू के लिए चेयर अप करेंगे, तब हमारे दिल में भारत होना चाहिए और खिलाड़ी वो जर्सी पहने जिस पर भारत लिखा हो। तो दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि भारत की टीम पर टीम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हो। तो दोस्तों, आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है कि टीम इंडिया की जगह टीम भारत होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।